देखिए, गठबंधन मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन बना रहेगा। हमने जो 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था नेतृत्व को, उस पर पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है क्या निर्णय लेना है। जो निर्णय लेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, हमारा एक ही कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर से हमारा ध्येय है कि जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो प्रायोजित दंगे कराए जा रहे हैं, सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, बलात्कार, महिला सिपाही के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाएं वर्दी, पुलिस की वर्दी में सुरक्षित नहीं है, प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, लूट हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इन सब चीजों से मुक्ति दिलाना कांग्रेस का कर्तव्य है। हमारा पूरी तरीके से हमारी सोच है, हम इसको हटाएंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुटता के साथ जंगल राज को हम खत्म करेंगे। इंडिया गठबंधन उस समीकरण में अभी जो 9 सीटें हैं उसमें सिर्फ 2 सीट बच रही हैं, तो उस दिशा में क्या कुछ आप लोगों का अभी स्टैंड है? आप देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस 5 सीटों पर हमें हमारा क्लियर स्टैंड है। नेतृत्व को निर्णय लेना है, जो निर्णय नेतृत्व लेगा उसके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, एक एक लोग खड़े हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और हम इंडिया गठबंधन के तहत इस सरकार को हटाएंगे, जंगल राज को खत्म करेंगे। लेकिन अगर यही 7 और 2 नेतृत्व को करना है, मैंने बोला ना, पहले भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूँ, नेतृत्व को लेना, जो निर्णय होगा उसको हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर मजबूती के साथ स्टैंड करेगा। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, दोनों लोग ही एक दूसरे के कैंडिडेट को जिताएंगे? बिल्कुल, मिलकर लड़ेंगे, जिताएंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे। सर, बहराइच दंगों से एक दूसरी खबर सामने आई है, वहां के लोग? देखिए, ये पूरा प्रायोजित है, मैंने पहले भी कहा था, आपको ध्यान होगा, आज फिर कह रहा हूं कि ये जानबूझकर उपचुनाव जीतने के लिए, लोकसभा में बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं, तो कैसे उपचुनाव हम जीते, ये जानबूझकर ये दंगे कराए गए हैं। बहराइच में, मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं, जिस तरीके के एक पोस्ट डालकर पूरे के पूरे एक वर्ग विशेष को सड़क उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये वहां भी चुनाव है। मीरापुर, मुजफ्फरनगर में सीट है मीरापुर की, तो ये पूरी तरीके से पूरब से लेकर पश्चिम तक केवल दंगा करा के चुनाव कैसे जीता, जिस पे काम कर रहे हैं। और इनका विधायक जब खुद अपने कार्यकर्ताओं पर FIR करा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। 2024 के टाइम में की भी सीटों की घोषणा कर दी है। देखिए, उस समय भी इनका जो हस्त्र हुआ था, आपने देखा था वैसे जी का, उससे बुरा हस्त्र इस बार होगा, क्योंकि भाजपा की बी टीम है और भाजपा को जिताने के लिए आते हैं, भाजपा की मदद करते हैं। दो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स को कैंडिडेट घोषित कर दिया, क्या लगता है वहां कुछ फर्क डाल? तो ये तो करेंगे, वो इसी का काम ही है, ये भाजपा की मदद करना, कैसे वोट काटें, डिवाइड करें। पर हस्र बुरा होगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं और इनको जनता नकार चुकी है। देखिए, गठबंधन मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन बना रहेगा। हमने जो